सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैमिली हब में। गाइस दोस्तों, आज का सीन कुछ इस तरीके से है। 11 बज गए हैं, गाड़ी की सर्विस करवाने जा रहा हूं मैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तराखंड में शादी है, तो हमने वहां जाना है, तो गाड़ी की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं जा रहा हूँ हुंडई के सर्विस सेंटर में, वहाँ जाके सर्विस करवाएंगे। पीछे मेरे साथ एक गाड़ी और है जो हमारे साथ जाना, जिन्होंने उन्होंने भी सर्विसिंग करवानी है। रास्ते में पहुंच गया हूं मैं, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे सर्विसिंग में, देखते हैं कितने का बिल बनेगा, क्योंकि काफी दिनों बाद आया हूं मैं सर्विसिंग करवाने के लिए गाड़ी की। ऑलरेडी दो सर्विसेज मैं करवा चुका हूं कंपनी में, अब तीसरी सर्विस है, पता नहीं फ्री है नहीं है, मैंने तो बुकलेट भी नहीं खोल के देखा। फ्री में बस यही होता है, अपना लेबर चार्जेस नहीं लगते, बाकी तो सब जो भी सामान डलता है इसमें गाड़ी में वो सब लगता है, उसका चार्ज लगता है। मजा आएगा, उत्तराखंड जाएंगे तो आपको हमारे साथ दिखाएंगे आपको वहां की शादी कैसे होती है, जितना हो सके अच्छा शूट करेंगे दिखाएंगे आपको। बस यार वीडियो पूरी दिखा करो, बहुत मेहनत से ब्लॉग बनता है, इतना इजी नहीं है। बाकी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो यार वीडियो पूरी दिखा करो, बस आगे मत क्या करो। तो दोस्तों गाड़ी सर्विस करने के लिए दे दी है, दोस्तों गाड़ी दे दी है यहाँ पे सर्विस सेंटर में। अब हम निकल पड़े हैं ऑल्टो की सर्विस करवाने के लिए, ये जॉब शीट है। ऑल्टो की सर्विस के लिए निकल पड़े हैं, तो देखिए भैया ऑल्टो के सर्विस सेंटर पे पहुंच के कॉल पर मिलते हैं आपसे दोबारा। दोस्तों जाम देखो यार कितना जबरदस्त है, करोल बाग आना तो मतलब सजा है। मास्क तो हटा कर शक्ल तो दिखा दो अपनी, ये आदमी परेशान रहता है बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे साथ सही रहता है, बंदा हंसता रहता है मेरे साथ। तो दोस्तों आगे हैं, पता नहीं कौन सी मार्केट है, जीवन मल्ला हॉस्पिटल के आगे। यहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं, बम्पर वगैरह रिपेयरिंग पेंट पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ है कोई बंदा, वहाँ से करवा रहे हैं ऑल्टो की सर्विस, देखते हैं क्या खर्चा बिठाता है ये और कितना टाइम लगाता है। काफ़ी बड़ी है मार्केट ये रिपेयरिंग की, ये देखिए। दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो गई है ऑल्टो की, मैं तो बैठे बैठे पक गया, नींद सी आने लगी है मुझे। ये भैया दे रहे हैं पैसे, दे रहे हैं पीछे, वो देखो वो खड़े, पता नहीं कितना बिल बना इनका। इन्होंने एक्चुअली किया है शोरूम से नहीं करवाई, बाहर से लोकली करवा ली है, और मेरी गाड़ी गई हुई है, उसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा, अभी 4-5 बज जाएंगे। तो अभी हम घर जाएंगे, घर के बाद दोबारा 4 या 5 बजे शोरूम सर्विस वालों को फ़ोन करके पूछ कर फिर हम उस टाइम के हिसाब से निकलेंगे, देखते हैं। जॉब शीट मेरे पास पड़ी है, अब देखते हैं कब तक रेडी होती है कार, फिर चलते हैं। तो गाइस घर आ गया हूँ मैं, खाना वगैरह खा चुका हूँ, अभी लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई है, तो खाना खा रही है, बाबू को खाना खा रहा है, दोनों बच्चों को नहला दिया ममता ने, बस अब इसको खाना खिलाऊंगा, गाड़ी मिलेगी 5:30 बजे के आसपास, खाना खिला के थोड़ा रेस्ट करेंगे, आंखें दर्द हो रही है मेरी, चश्मा तोड़ दिया दैबू ने मेरा, देखो ये देखो एक डंडी लगी हुई है, एक डंडी नहीं है, तो एक चश्मा मेरे पास और है, एक स्पेक्स और है, वो रखा हुआ है मैंने, वो भी निकालता हूँ। गाइस गाड़ी रेडी हो गई है, कॉल आ गई है मेरे पास, तो मैं निकल रहा हूँ, ये गाड़ी देखो आ गई है मुझे लेने के लिए,
तो मैं जा रहा हूँ कार सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर जा रहे हैं हम गाड़ी लेने, मिलते हैं वहाँ जाके। बच्चे हमारे साथ ही हैं। कोई बात नहीं, नीचे से मत आना बिट्टू। दोस्तों 6:15 देखो कितना अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि 8 बजे हैं। तो जा रहे हैं हम सर्विस सेंटर हुंडई के, भैया आए हैं स्पेशली मेरे को ले जाने के लिए। आज भैया को मेरी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। ये तो अंदर ही रख ले बेटा, ऐसे बाहर नहीं फेंकते, डस्टबिन नहीं है बाहर, खुले में नहीं फेंकते कभी भी कचरे को। बच्चों मजा आ गया, बिट्टू ने गिराते से नीचे गिरा दिए, कोई बात नहीं। तो फाइनली दोस्तों अपनी गाड़ी आ गई है चमक के, ये देखिए चकाचक हो गई है, एकदम स्मूथ चल रही है, बढ़िया चल रही है सर्विसिंग के बाद। कंपनी से सर्विस करवाने का ना मजा ही कुछ अलग होता है ना, बिल्कुल चमका देते हैं गाड़ी को। घर पहुंच के मिलते हैं। सर्विसिंग कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में बैठ के? बढ़िया लग रहा है, एकदम नई जैसी दिख रही है, एकदम नई जैसी दिख रही है ना दोनों। और ये नीचे भी तो देखो, इसमें लिखा है थैंक्स फॉर कमिंग सून, मतलब यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ये लिखा है। लो इसने सारा कैमरा उल्टा पुल्टा कर दिया। बच्चे मन के सच्चे वाकई में ही होते हैं। इतना अंधेरा हो रहा है पापा, लो लाइट कर देते हैं। हाँ। बच्चे मन के सच्चे, Baby this is do or die, feel it in my veins tonight. Emotional suicide, you know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't want. Pull up. Tasty. So ये मेरे किट्टू ने, मेरे छोटे से किट्टू ने बनाया है ब्रेड में सैंडविच। देखो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। वाओ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये दोस्तों थोड़ा सा ओरिगैनो, रुक जा रुक जा, मैं इसको बनाने में काफी माहिर हूँ। किट्टू इतना में हो और क्या, रुक जा मुझे भी देना इसमें से हाफ। रुको नहीं तो आपने खा लिया। वो क्या फोक का, इसे लगाया था आपने, नाइफ से लगाया होगा इसने, गिर गया कोई बात नहीं। नाइफ मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा हाफ में। पहले आपको ये लेना है ब्रेड, फिर उसमें मेयो लगाना है, फिर आप उसको एक अच्छा मना और अच्छा बनाने के लिए ये नमक, ओके ठीक है, और फिर आपको केचप लगाना है, केचप लगाना है, और फिर इसको कट नहीं करोगे ब्रेड को, फिर इसको यू ऐसे करना है, ओके ठीक है। अब इसको कट पापा से करवाना, नाइफ आप यूज मत करना, मुझे भी तो देगा हाफ, चक मार ले उसी में से बाइट ले ले, दे दो किट्टू एक मिनट, पहले आज आप अपने जो बनाया वो दिखा दे। आ वाह कैसी है, यार कोई मेरे लिए भी बना दो, बेटे ने अपने लिए बना लिया, पापा ने अपने लिए बना लिया। उसको देखो मेरे नन्नी गुड़िया को, अरे पीछे से माल निकल गया था सारा। आपने ओरिगैनो कम डाला है। नहीं मेरे को इसमें ना एक गाना याद आ रहा है मेरा, इतनी गंदी नजर डाली है इसने।
ये क्या नीचे वाला खा गए हो क्या? बता दूं दिल के टुकड़े टुकड़े मेरे बेबी को भी खानी है। दोस्तों इतनी गंदी नजर डाली है इसने मेरी ब्रेड पे नीचे गिर गई। मेरे मेरे गुचुलों के लिए हम सिर्फ सॉस वाली ब्रेड बनाते हैं। अब मैं बनाती हूँ। दोस्तों आज का पूरा दिन सर्विसिंग में ही निकल गया। अब रात के 9:30 बज गए हैं। डिनर की तैयारी चल रही है। ममता बना रही है यमी यमी से मक्की की रोटी। सरसों का साग तो नहीं है, मक्की की रोटी विद दाल। ये देखिए दाल रेडी हो रही है और ये मक्की की रोटी है। ज़रा पलटना इसको, अभी पक रही है। तो ये जब तक हम मक्की के पर रोटी खाते हैं, पराठे निकल रहा है मुँह से, पराठों का शक्ति नहीं है। तो जब तक ये मक्की की रोटी रेडी हो रही है तब तक आज से अलविदा लेते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय 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 बाय।